सो नाओ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इरीगेशन first of all we had talk about it ki कि हमें क्या करना होता है we had to loosening the soil after that showing is there. So after that what we will do कि हम उसमें मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स हमने add कर दिए now we आर टॉकिंग अबाउट द irrigation बिकॉज वाटर जो है दैट इज also वन ऑफ अ component जो कि हमें क्या करना होता है अपने फील्ड में देना होता है दैट इज वाई हमें अच्छा यल्ड मिलता है या फिर अच्छी फार्मिंग हो सकती है

वाटर इज एब्जॉर्व बाय द प्लांट रूट्स अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो वाटर जो है वो कौन ऑब्जॉर्व करता है जो प्लांट की रूट्स होती है जो जड़ें होती है दे एक्चुअली एब्जॉर्व द वाटर फ्रॉम द सॉइल अलोंग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्व तो अगर कोई प्लांट है वो क्या कर रहा है वो सॉइल से एब्जॉर्व कर रहा है वोटर्स को खाली वाटर तो एब्जॉर्व नहीं करेगा दे विल ऑल्सो एब्जॉर्व वॉट फर्टिलाइजर्स और जो मिनरल्स आपके सॉइल के अंदर ऑलरेडी प्रजेंट है वो उसको भी एब्जॉर्व करेगा आफ्टर दैट प्लांट्स कंटेन नियरली नाइन्टी परसेंट ऑफ वाटर तो अगर हम बात करते हैं तो प्लांट के अंदर नाइन्टी परसेंट ऑफ वाटर जो है वो अवेलेबल होता है एंड वाटर इज़ इसशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन तो वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जो आपका जर्मिनेशन ऑफ सीड्स होता है वो विदाउट वाटर जो है वो नहीं हो सकता मतलब वो ड्राई कंडीशन में नहीं हो सकता आपने सूखा छोड़ दिया और आपने पानी नहीं दिया तो आपका जो सीड है वो ग्रो नहीं करेगा तो यू हैड टू गिव द वॉटर टू इट आफ्टर दैट द न्यूट्रिय डिजॉल्व इन अ वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड आफ्टर दैट जो भी सॉइल के अंदर आपका न्यूट्रिय वैल्यू जो प्रेजेंट है ऑलरेडी वो क्या करेगा वो उस प्लांट के हर जो पार्ट है उसके पास जाता है वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड द हॉट एयर करंट और जो वाटर होता है वो क्या करता है वो दोनों कंडीशन से बचाता है ना तो वो जमने देता है आपके प्लांट को ना ही अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो उससे खराब करने देता है तो अगर आपके प्लांट को जो है वाटर अच्छे अमाउंट में मिल रहा है जितना कि अप्रोप्रिएट उसको चाहिए सो तो ना तो वो ठंड में जम जाएगा और ना ही वो गर्मी में यू नो गर्म खराब हो जाएगा so to maintain the moisture of the soil for a healthy crop growth fields have to be watered regularly तो so, अगर आपको अपने जो soil है उसका moisture जो है maintain रखना है तो आपको क्या करना है on a daily basis आपको उसे watering करना पड़ेगा मतलब water जो है आपको उसको provide करना पड़ेगा द सप्लाई ऑफ वाटर टू अ क्रॉप्स एट अ रेगुलर इंटरवल इज नोन एज इरीगेशन तो जब आप अपने फील्ड के अंदर क्या करते हो आप अपने क्रॉप्स को पानी देते हो एक पर्टिकुलर टाइम में तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इरीगेशन तो आपको ये याद रखना है द सप्लाई ऑफ अ वाटर टू अ क्रॉप एट अ रेगुलर इंटरवल इज नोन एज द इरीगेशन सो द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेर फ्रॉम अ क्रॉप टू क्रॉप सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन तो अगर हम बात करते हैं कि जो आपका टाइम है आपको किस टाइम देना चाहिए कितना फ्रिक्वेंसी में मतलब कितने अमाउंट में आपको वाटर प्रोवाइड करना चाहिए तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी क्रॉप आपने बोई है आपका जो सॉइल है उसका टेक्सचर कैसा है और वो कौन सा सीजन चल रहा है लाइक इट इज़ वेरी ऑब्वियस गर्मी का सीजन है तो थोड़ा वाटर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में देना पड़ेगा अगर ठंड है तो कम अमाउंट में देना पड़ेगा आफ्टर दैट इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो समर है उसमें फ्रिक्वेंसी जो है आपका वाटर का वो हायर क्वान्टिटी में होता है एंड इट इज सो सो ऐसा क्यों है बुट इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट फॉर इवेपोरेशन ऑफ अ वाटर फ्रॉम द सॉयल बिकॉज जितना गर्मी होता है उसमें क्या होता है आपका जो वाटर है वो एक्चुअली इवेपोरेट हो जाता है सॉइल में से और लीव्स में से सो दैट इज वाई मोर वाटर इज रिक्वायर्ड इन अ समर सीजन नाउ द सोर्स ऑफ द इरीगेशन अगर हम सोर्स की बात करते हैं द सोर्स ऑफ द वाटर फॉर इरीगेशन सार अब क्या क्या सोर्स uh, है जहाँ से आप इरीगेशन प्रोवाइड कर सकते हो या तो वेल well होती है ट्यूब वेल well है पॉन्ड है लेक से, रिवर्स से, डैम से, कैनल से, तो यहाँ से आप जो है अपने फील्ड्स में पानी दे सकते हो फ्राम ऑल दी सोर्सेज आफ्टर दैट द ट्रेडिशनल मैथड ऑफ इरीगेशन तो ट्रेडिशनल मैथड की अगर हम बात करते हैं जो कि पुराने टाइम्स यू ना एशियन टाइम्स से चलता हुआ आ रहा है तो द वॉटर अवेलेबल इन अ वेल लीक्स कैनाल्स is lifted up by a different method in a different region for taking it to the field. So अगर हम बात करते हैं तो इन सोर्सेस से पानी लाने का अलग अलग मैथड है अलग अलग जगहों पर So एज सच कोई भी आ, ऐसा नहीं है कि एक ही मैथड जो है हर जगह पर चलता है so, it varies from a place to a place, region to a region. Cattle कैटल और human लेबर इज़ यूज इन दीज methods, बट हेयर वन थिंग इज कॉमन कि यहाँ पर क्या होता था कि जो कैटल है मतलब या तो ह्यूमन जो है वो बहुत मेहनत कर रहा होता था वरना जो आपके एनिमल्स होते हैं दे वर आल्सो डूइंग देयर लेबर तो वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं फॉर दिस मेथड सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट तो ये चीपर तो है मतलब कम रेट में तो मिलते हैं आपको किसी को पैसा नहीं देना होता है बट ये लेस एफिशिएंट होते है बिकॉज आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत ही कम अमाउंट में आपको वाटर जो है वो अवेलेबल होता है द वेरियज ट्रेडिशनल वेज आर अब वो अलग अलग वेज क्या हो सकते हैं दैट कैन बी द मॉट जिसे हम पुलर सिस्टम के आते हैं या फिर वो चेन पम्प हो सकता है ढेकली हो सकता है राहट है राहट का हम लेबर सिस्टम भी बोलते हैं सो पम्प आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग ए वाटर तो हम क्या करते हैं हम पम्प्स का ज़्यादातर यूज़ करते हैं पानी को लाने ले जाने में या डीजल बायोगैस इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी भी यूज़ करती है अब ये सारी जो चीज़ें हैं दैट मीन्स डीज़ल है बायोगैस है इलेक्ट्रिसिटी है सोलर एनर्जी है ये क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि हमें पंप चाहिए पंप से वाटर मिलेगा और पंप को चलाने के लिए हमें डीज़ल बायोगैस वगैरह का यूज़ करना पड़ता है सो यू कैन सी इट ह्यूर कि यहाँ पर ये चारों मैथड्स दिखा रखे हैं दैट इज़ द चेन पम्प आफ्टर दैट दिस इज़ द मॉट फिर ये ढेकली है एंड दिस इज़ द राहट सो दीज वो द ट्रेडिशनल मैथड्स जो कि एशियन टाइम्स से चलते हुए आ रहे हैं Now we are talking about the modern method of irrigations.